राजा दूसरे दिन अपने घोड़े पर सवार होकर सब जगह वैराग्यवती को खोजते हुए गया। वृक्ष से बंधी हुई बेटी को देखकर कहा कि बेटी तुम्हें ये कौन बांध गया है? वैराग्यवती ने कहा कि मेरे गुरुदेव ने बांधा है। राजा ने कहा पगली, गुरु लोग ऐसा नहीं करते, कोई छद्म वेशधारी तुझे ठग कर गया है, ला मैं तुझे बंधन से मुक्त करूं, घर चल मेरे साथ। वैराग्यवती ने कहा पिताजी आपको प्रणाम है, पर गुरु जी का बांधा हुआ बंधन नहीं खुलवाऊंगी। राजा ने बहुत समझाया, नहीं मानी तो कहा बंध ही रहा। राजा भी चला गया। दो दिन हो गए, भगवान नारायण का आसन डोलने लगा। नारद जी से कहा पता लगाओ। नारद जी आए, जो देखा कि ये बंधी हुई है, अरे नारायण नारायण करते हुए, बेटी किसने बांधा तुम्हें? मैं तुम्हें बंधन से मुक्त कर देती हूँ, मुझे जानती हो? प्रणाम किया बेटी ने, आप देवर्षि नारद हैं, मैं प्रणाम करती हूँ। अरे तुम्हें कोई ठग बांध गया, मैं खोलता हूँ रस्सी, मुक्त हो जा। महाराज आप देवर्षि हैं, मैं प्रणाम करती हूँ, लेकिन गुरु जी का बांधा हुआ बंधन नहीं खुलवाऊंगी। अरे गुरु जी काहे के, गुरु जी तुम्हें बांध कर चले गए? उनके बंधन की यही तो महिमा है कि दूसरे तीसरे दिन ही आपका दर्शन हो गया। अगर वो न बांध कर गए होते तो आपका दर्शन होता, और वो न माने। नारद जी गए भगवान के पास कि प्रभु चलो। भगवान स्वयं आए, भगवान नारायण चतुर्भुजी रूप, मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान ने कहा कि बेटी मैं भगवान नारायण हूँ, मैं तुम्हें बंधन से मुक्त कर देता हूँ, मेरे दर्शन के लिए ही सारी साधनाएं की जाती हैं, तुम्हें जो बांध गए वो अच्छे व्यक्ति नहीं मालूम होते, मैं तुम्हें बंधन से मुक्त कर देता हूँ। पर वैराग्यवती बोली प्रभु क्षमा करें, आपका दर्शन हुआ, आपको मैं बार बार प्रणाम कर रही हूँ, पर गुरुदेव का बांधा हुआ बंधन तो उन्हीं से खुलवाऊंगी। भगवान भी हार गए। नारद जी से बोले नारद जी इनके गुरु जी का पता करो कहाँ है। नारद जी ने कहा कि प्रभु क्या ठिकाना, बोले कहीं ना कहीं नकब लगाते हुए मिल ही जाएंगे, ढूंढो। नारद जी गए, सचमुच वो एक घर के पीछे नकब लगा रहा था। तब तक नारद जी ने कहा नारायण नारायण, चौंक कर देखा। नारद जी मुस्कुराए, बोले चलो भगवान बुला रहे हैं। बोले हमें और भगवान बुलाए, मैं तो जन्म का चोर हूं। नारद जी ने कहा कि वो जिस शिष्या को बांधा है उसे बंधन से मुक्त करो, भगवान वहीं खड़े हैं। बेचारा सकुचाता हुआ आया, सिर नीचे किए, भगवान को प्रणाम किया। भगवान बोले गुरुदेव शिष्या को बंधन से मुक्त करो। बेचारे ने लजाते हुए बड़े संकोच से रस्सी खोली, पर वैराग्यवती जैसे ही अलग आकर खड़ी हुई, उसने हाथ जोड़े किसके का, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद दिए मिलाए। यह है वैराग्यवती की सच्ची श्रद्धा। तो गुरुदेव की महिमा तो अपार है, लेकिन अगर सच्ची श्रद्धा हो तो द्रोणाचार्य से एकलव्य बाण विद्या द्रोणाचार्य की मूर्ति से सीख सकते हैं। तो गुरुदेव के प्रति सच्ची श्रद्धा जीवन में क्या चमत्कार नहीं करती। इसीलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम।